107 हिस्ट्री ओनर्स सेकेंड ईयर क्या रहेगी, BHIC 107 हिस्ट्री ओनर्स सेकेंड ईयर का ये पेपर आपका रहने वाला है, जो आपकी बुक है। इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 यानी चैप्टर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, और बुक आपकी क्या है BHIC 107 वाली आपकी बुक्स है। ठीक है, तो देखिएगा चैप्टर नंबर हमारा यूनिट नंबर 15 क्या, यूनिट नंबर क्या है सूफी परंपरा, इसको कई बार सूफी आंदोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूफी आंदोलन भी इसी को बोलते हैं या सूफी परंपरा। आपको पिछला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो था भक्ति आंदोलन और यह सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या है, अगर मैं एक लैंग्वेज बदलूं तो भक्ति आंदोलन का मतलब होता कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उन बुराइयां या उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चला वह भक्ति आंदोलन था। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस्लाम में जो कुरीतियां थी, या मुस्लिम धर्म कह सकते हैं, मुस्लिम वैसे कोई धर्म नहीं बल्कि धर्म का नाम है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म में जितनी कुरीतियां थी या जो बुराइयां थी, खासतौर से इसमें कट्टरता का एक बड़ा शब्द आता, कट्टरता थी या शरीयत को लेकर की चीजें थी, तो कह सकते इस्लाम में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए, क्या बोल रहा हूँ, उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चला, जो मूवमेंट चला, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूफी आंदोलन। और सूफी आंदोलन छाता है भारत में नहीं चला, क्योंकि आपको पता होगा कि इस्लाम का जो जन्म है वह अरब में हुआ है, तो भारत में कोई भी सूफी आंदोलन की शुरुआत नहीं, लेकिन बाहर से कह सकते अरब से भारत में क्या आया था, सूफी आंदोलन, क्योंकि मुसलमान भी अरब से आए हैं, तो आंदोलन भी कह सकते सूफी आंदोलन भी बाहर से भारत में एंटर किया है। आप सबने सुना होगा अजमेर शरीफ का नाम सबने सुना होगा, वहां पर है दरगाह है ना ख्वाजा चिश्ती की। ठीक है, यानी अगर आप देखो गरीब नवाज की दरगाह है ना, मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो दरगाह क्या है, वो भी एक सूफी संत थे। क्या थे? एक सूफी संत थे। और अगर मैं बताऊं भारत में सबसे जो फेमस सूफी संत थे उनमें एक बड़ा नाम है, और सूफी संतों में जैसे हमारे यहाँ पर होता अलग अलग मठ नहीं होते, तुम सबने सुना होगा फलाना मठ है, या अभी सुनते होगे ना अलग अलग मठ के साधु संत होते, उसी प्रकार से जो सूफी संत होते थे इनका भी अलग अलग संप्रदाय होता। संप्रदाय मतलब समझते हो, अलग अलग, जैसे हिंदू में देखोगे तो जैसे कई टाइप के बाबा या उसमें संत होते हैं, तो उसी प्रकार से इस्लाम भी क्या होता है, संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय है, आपने देखा होगा वहां पर चिश्ती संप्रदाय, इसमें इस्लाम में खासतौर से जो सूफी आंदोलन था इसमें कई सारे संप्रदाय थे, जैसे चिश्ती संप्रदाय है, कादरिया संप्रदाय है, ठीक है, कई सारे इसमें, जिसको कई बार सिलसिले बोलते हैं, चिश्ती सिलसिला बोला जाता है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। सूफी आंदोलन क्या है, सूफी आंदोलन कह सकते हैं इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, जो कट्टरता थी, या एक प्रकार से शरीयत में बदलाव हो या बदलाव ना हो, इसको लेकर के इस्लाम धर्म में जो पूरा आंदोलन चलाया, उनके जो गुरु थे या उन लोगों ने जो चलाया, पूरा मूवमेंट चला, वही सूफी आंदोलन था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सूफी आंदोलन है क्या, ये पता होना चाहिए जैसे देखेगा, और मूलतः जैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सूफी मत की विशेषता यानी सूफी आंदोलन की खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी। दूसरा, अगर आप देखोगे इस्लामिक विश्व में सूफी आंदोलन का विकास, यानी जो सूफी आंदोलन है वो भारत में स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि वो स्टार्ट बाहर हुआ था, अरब से इसकी शुरुआत हुई थी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देखो भारत में सूफी मत का विकास, नहीं भारत में सूफी आंदोलन कैसे एंटर किया या भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत कैसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारत में सल्तनत काल के दौरान सूफी सिलसिले, देखो कि भारत में देखो ना, जैसे मैंने बताया सूफी आंदोलन में कई सारे सिलसिले थे या संप्रदाय थे, तो भारत में कई सारे संप्रदाय, जैसे मैंने आपको बताया चिश्ती, भैया आप अजमेर जाओगे तो वहां पर ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, तो उस दरगाह पर बहुत सारे लोग चादर चढ़ाने आते हैं, तुम सबने सुना भी होगा, कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस टाइप के लोग आते हैं। तो जो चिश्ती संप्रदाय है, खासतौर से जो गरीब नवाज की या कह सकते हैं मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह, बाकी बहुत फेमस है, और उस वो जो संत है किससे संबंधित है, उस चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती संप्रदाय से है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखो भारत में कई सारे सिलसिले संप्रदाय थे, जैसे सोहरावर्दी है, नक्शबंदी है, कादरिया है, चिश्ती संप्रदाय है, जो बहुत फेमस रहा इंडिया में, अगर आप देखें चिश्ती संप्रदाय, और इसकी इसकी अगर आप देखो दिल्ली में भी इसका गढ़ है, और खासतौर से अजमेर शरीफ तो इसका गढ़ है ही, जहाँ पर वहां पर पूरी मजार बनी हुई है। तो अगला देखिएगा, चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता के कारण क्या है, यानी भारत में जो सबसे फेमस सिलसिला रहा, खासतौर से जो संप्रदाय था वह चिश्ती संप्रदाय था। तो चिश्ती संप्रदाय इंडिया में क्यों लोकप्रिय हुआ, लोगों में क्यों इतना ज्यादा बढ़ा, इसको भी हम देखेंगे चिश्ती संप्रदाय की। और सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में क्या समन्वय है, क्या सिमिलरिटी है, जैसे मैंने आपको एक सूफी आंदोलन पढ़ाया और भक्ति आंदोलन पढ़े, तो दोनों आंदोलनों में हमें सिमिलरिटी क्या, यानी समानता क्या दिखाई देती है, एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं या आ सकते हैं। देखिएगा
इस्लाम में व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित रहस्यवादियों के माध्यम से ईश्वर और व्यक्ति के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने। देखो कह रहे हैं इस्लाम में क्या बात की गई है, अगर हम बात करें कहता है कि इस्लाम में एक बात कही गई है कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर रहस्यवादियों के माध्यम से ईश्वर और व्यक्ति के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की बात की जाती है। प्रत्येक धर्म अपने विकास के क्रम में कभी न कभी रहस्यवाद का सहारा लेता है। इस दृष्टि से सूफी मत कुरान की पवित्रता की भावना का आधारित इस्लाम की स्वाभाविक विकास है। सूफी संत शरीयत को स्वीकार करते थे पर वह परंपरा से चली आ रही आराधना पद्धति में बनकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ऐसी पद्धति का विकास किया जिसका उद्देश्य ईश्वर से सीधा संवाद। यानी जो कह रहे हैं सूफी संत जो थे वह शरीयत में विश्वास करते थे। अब हम लोग बात आती है शरीयत क्या होती है। शरीयत कह सकते हैं कि इस्लामिक रूल बुक है, यानी इस्लाम में कैसे नियम कानून चलेंगे, कैसे पूजा पद्धति होगी, शादी विवाह के नियम कैसे होंगे, ये सारी चीजें हम किस में आती हैं शरीयत में। जिस प्रकार से हिंदू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप सबने नाम सुना होगा कि जैसे एक बुक आती है ना उसको बड़ा लेकर के हम बाकी लोग बहुत सारी बात करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नाम ध्यान कई बार भूल जाता हूँ, ठीक है अभी मैं चेक करके उसका नाम बता दूंगा, जिसको लेकर के काफी कई बार भी मनुस्मृति, हाँ ध्यान आ गया। जैसे हिंदू धर्म में कह सकते हो कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति में क्या है कि हिंदू में शादियां कैसे होंगी, हिंदू में विवाह कैसे होंगे, उनकी पूजा पद्धति कैसे होगी, उनका पूरा एक प्रकार से रूल बुक है कह सकते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम में क्या कह सकते हो कि जो शरीयत है, शरीयत क्या है, एक प्रकार से इस्लामिक कानूनी बुक है, क्या बोलोगे, इस्लामिक कानून की किताब है, या कह सकते हैं जो लिखी गई है उसमें मुसलमानों की शादियां कैसे होंगी या पूजा पद्धति कैसे होगी या ये सारी चीजें। तो कह रहे खास तौर से जो सूफी संत थे वो शरीयत को तो मानते थे, लेकिन इस्लाम में जो कुरीतियां आ गई थी, जो बुराइयां आ गई थी, यानी जो आडंबर आ गए थे, जो कट्टरता, एक बड़ा शब्द आता कट्टरता, क्योंकि इस्लाम में कट्टरता काफी रही है, ठीक है, तो जो कट्टरता आ गई थी इन चीजों को दूर करने के लिए, और खास तौर से यानी व्यक्ति का और ईश्वर में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कह सकते अल्लाह का और व्यक्ति का, यानी कह सकते यानी व्यक्ति का और अल्लाह का आपस में संपर्क हो, सीधा संवाद हो, यानी इसमें बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। खास तौर से यहाँ पर जो हम खास तौर से हम खलीफा की बात करेंगे जो एक प्रकार से था, तो यहाँ पर डायरेक्ट यही बात कही जा रही है कि ईश्वर के बीच में और यानी अल्लाह के बीच में और ईश्वर के बीच में, अल्लाह के बीच में और व्यक्ति के बीच में, सॉरी ठीक है, अल्लाह के बीच व्यक्ति और अल्लाह के बीच में सीधा संवाद हो। और खास तौर से शरीयत को एक्सेप्ट करते थे, कौन एक्सेप्ट करता था, ये सूफी संत शरीयत को तो मानते थे, लेकिन शरीयत को छोड़ करके जो आडंबर चल रहा है, जो ढोंग चल रहा है, जो कट्टरता आ गई है, जो झूठे झूठी चीजें आ गई हैं, जो पाखंड आ गया है, इन पाखंडों आडंबरों के खिलाफ थे, इन्हीं को दूर करने का प्रयास करते थे ये सूफी संत। लेकिन सूफी संत में भी दो धाराएं रही, कुछ लोग शरीयत को मानते हैं, शरीयत को हमें फॉलो करना चाहिए, कुछ लोग ऐसा मानते नहीं नहीं शरीयत में तो बड़े बदलाव होना चाहिए, और सूफी संतों में काफी वैरायटी रही। कुछ लोग जो मानते थे बड़े, एक प्रकार से आप देखोगे तो बड़े दयालु टाइप के थे, जैसे चिश्ती संप्रदाय, सेम देखोगे सुहरावर्दी संप्रदाय, वो तो मानते थे जितने गैर मुसलमान है उनको हम मुसलमान बना देना चाहिए, इस प्रकार की चीजें। अगर मैं सूफी संतों की बात करूं, जैसे आप सबने सुना होगा कि अकबर ने कई बार जजिया हटा दिया था, यानी हिंदुओं पर जो कर लगता था उसको हटाने का काम किया, तो कई बार जैसे कोई मुस्लिम शासक अगर हिंदुओं का जजिया हटा दे या उन पर हिंदुओं को लगने वाला जो कर हटा देता था, कई बार ये सूफी संत जो होते थे कई बार बुराई, यानी अगर आप देखोगे जो खास तौर से सूफी आंदोलन है, इसमें जो अलग अलग संप्रदाय जैसे चिश्ती संप्रदाय है, सोहरावर्दी संप्रदाय है, नक्शबंदी संप्रदाय है, ठीक है, सतारिया है, कादरी है, बहुत सारे हैं, तो इनकी अलग अलग विशेषता, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि सब अलग टाइप से लोगों की चीजों को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सूफी मत की क्या विशेषताएं हैं। अगर हम सूफी आंदोलन की बात करें तो भारत और उसके बाहर सूफी मत के कई सिलसिले थे, यानी भारत में तो ऐसे बताया जाता 14 सिलसिले थे, यानी 14 सिलसिले, 14 संप्रदाय थे सूफियां, वैसे भारत के बाहर भी बहुत सारे सिलसिले थे सूफी मत के, देखिएगा प्रत्येक मत की अपनी अपनी खास विशेषता। अगर हम सूफी मत की बात करें तो सूफी मत यानी मत का मतलब होता है व्यू, तो जो सूफी विचार थे, सूफी जो मत थे, उसका उद्देश्य इस्लामिक देशों में हुआ था, खास तौर पर गल्फ कंट्री यानी अरब में हुआ था, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत वहीं से हुई, भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत कभी नहीं, इस्लाम खास तौर सूफी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, इस्लामिक देशों से। इसमें अलौकिक यथार्थ यानी हकीकत से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए सूफी मार्ग यानी तरीका पर चलने का, यानी सूफी आंदोलन में क्या होता, अलौकिक यथार्थ यानी हकीकत हमें मानना है, आडंबर नहीं, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, इसमें नहीं चलना है, ठीक है। अगला देखिएगा, सूफी मत के अनुसार व्यक्ति को ईश्वर के अनुभव करने के लिए कोई पड़ाव या चरण और वैज्ञानिक परिस्थितियां
का सामना करके गुजरना है। कहते थे कि अगर व्यक्तियों को ईश्वर का अगर अनुभव करना है तो एक प्रकार से हमें कई पद्धति से गुजरना पड़ेगा। जैसे होता है ना हिंदू धर्म में, भाई ईश्वर से मुलाकात करने, तो लोग बताते हैं वो क्या हिमालय में चले जाओ और वहां पर जाकर के तप करो, तपस्या करो, इस प्रकार से भी। तो ही सूफी मत में भी माना जाता था कि अगर आपको अल्लाह मिलना है या अल्लाह को अगर प्राप्त करना है तो आपको कई चरण यानी कई फेज से गुजरना पड़ेगा। आपको ऐसे अल्लाह नहीं मिल जाएगा, यानी आपको ऐसे रब से आपको नहीं मिल सकता, अल्लाह आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको उसमें क्या करनी, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, कई पड़ाव से। सूफी मत मानते थे। सूफी मार्गों को कोई भी व्यक्ति केवल आध्यात्मिक गुरु यानी शेख पीर या मुर्शिद के कड़े निरीक्षण से ही पार कर सकता था। यानी जो सूफी मार्ग है यानी सूफी मार्गों पर अगर आपको चलना तो आपको कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा, पीर बनाना पड़ेगा, तभी आप शेख पीर और मुर्शिद का दर्जा वही पा सकता है जिन्होंने सफलता पूर्वक इन मार्गों को तय कर लिया, ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित। नहीं यानी सूफी सिलसिले में ही माना जाता था अगर आपको अल्लाह से कॉन्टेक्ट करना है तो आपको किसी न किसी भाई धार्मिक गुरु की या पीर की या पैगंबर की आपकी जरूरत पड़ेगी। पैगंबर आप समझते हो, पैगंबर क्या होता है, यानी ईश्वर का संदेश वाहक, अल्लाह का संदेश वाहक को ही पैगंबर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखो जैसे हमारे यहाँ पर होता नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि होते हैं, जो बाबा बाबा होते हैं, उनके क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम में मुरीद होता, मुरीद क्या था, मुरीद में जैसे हमारे यहाँ पर होता नहीं मेरा चेला है, ये शिष्य है, तो चेला जो या शिष्य जो बोला जाता है, उसी तरह जो ये जो सूफी आंदोलन था इसमें क्या होते थे, जो मुरीद क्या होते थे, जो सूफी संत होते थे, इनके शिष्यों को मुरीद बोला जाता था। मुरीद कई पड़ाव और चरणों से गुजरता था, वह ईश्वर में ध्यान लगाने और केंद्रित करने यानी जिक्रा और आत्म संतन ईश्वर का नाम नाम जपने जैसे आध्यात्मिक। कह रहे कि अगर मान लो अगर तुम किसी सूफी संत किसी के अनुसरण में हो तो तुमको मुरीद जो शिष्य होता था उसको बार बार कई चरणों से गुजरना पड़ता था और हमेशा भाई ईश्वर में या सॉरी कह सकते अल्लाह में या कह सकते खुदा में उसको हमेशा ध्यान लगाना पड़ता था। देखिएगा, सूफी आवेग उत्पन्न करने वाले संगीत का आयोजन, समा मतलब समझते हो, समा क्या है, जैसे मान लीजिए सूफी संत जो होते थे वहां पर जो संगीत के कार्यक्रम होते थे, वैसे एक चीज बता दूं, इस्लाम में जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनमें कुछ लोग तो संगीत को तो मानते थे, खासतौर से जो सूफी संत हैं, खासतौर से चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय तो संगीत को तो मानता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे कादरी संप्रदाय है, सतारिया संप्रदाय है, ये संगीत को नहीं मानते। इसलिए आपने देखा होगा कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने संगीत पर म्यूजिक पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, नाच क्यों लगा दिया था, क्योंकि इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जो संगीत है, जो नाच गाने हैं, जो म्यूजिक है, वह कह सकते अल्लाह से अरदास या अल्लाह से भाई प्रेयर करने में या उनकी या पूजा करने में कुछ भी मान लीजिए यानी उनसे करने में एक प्रकार से बाधा, यानी म्यूजिक जो है, संगीत जो है, बाधा बनता है इसलिए। लेकिन खास तौर से कुछ ऐसे सूफी संत थे जो संगीत का आयोजन करते थे, जैसे हमारे यहाँ पर होता नहीं भाई कोई कथा हो गई या कि कोई जैसे क्या होता है, कई बार होता नहीं कीर्तन उर्तन हो जाता, तो उसी प्रकार से जो सूफी संत होते थे क्या करते थे, संगीतों का भी आयोजन करते थे। कौन करता है, खासतौर से चिश्ती संप्रदाय में ऐसा होता था, बाकी और इस्लाम में यानी सूफी संतों में कई सारे संप्रदाय थे जो खासतौर से बड़ी कड़ाई के साथ होता था कि संगीत पर प्रतिबंध लगे। इसलिए देखो कि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इस्लाम में ऐसी मान्यता थी कि संगीत जो है एक प्रकार से पूजा पद्धति में यानी पूजा पद्धति में बाधा बन रहा है, इसलिए उस पर बैन लगाने की बात होती थी। लेकिन उसी इस्लाम में देखोगे तो कई सारे जो सूफी संत थे वह संगीत को मान्यता देते थे, खासतौर से मैंने बताया चिश्ती संप्रदाय, और सेम चिश्ती संप्रदाय से उल्टा संप्रदाय या सतारिया है, कादरी है, वो बिल्कुल संगीत को कहते थे बैन कर दो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस्लाम को कड़े रूलों के साथ यानी शरीयत को पूरी कड़ाई के साथ पालन किया जाए। अगला देखिएगा, सूफी मत में अनेक सिलसिले थे, यानी सूफी में कई सारे मत थे, कई सारे संप्रदाय थे, सभी सिलसिले के संस्थापकों के नामों पर आधारित थे। जैसे यानी जो व्यक्ति सूफी सिलसिला स्टार्ट करता था उसी के नाम से उसका नाम, जैसे सोहरावर्दी थे तो उनके नाम से सोहरावर्दी संप्रदाय हो गया, कादरी थे तो कादरिया संप्रदाय हो गया, चिश्ती थे तो चिश्ती संप्रदाय हो गया। अगर आप अजमेर शरीफ जाओगे तो वहां पर जो चादर चढ़ाने वाले लोग हैं वह चिश्ती संप्रदाय के ही हैं, वह चिश्ती ही हैं। ठीक है, अगर आप कभी जाओगे तो वहां पर अजमेर शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वहां पर जो दरगाह है वो किसकी है, वह चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती संत ही है, ठीक है, यह कह सकते हो यह है। अगला देखेगा, सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र खानका होता था, खानका होता है, जैसे हमारे यहाँ पर बाबा जो होते गुरु होते उनका मठ नहीं होता है, मठ होता है, उसी प्रकार से जो सूफी संत होते थे इनकी खानका होती थी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते नहीं फलाने बाबा का मठ है या उसका उसका जो रहा जहाँ जहाँ ये साधु संत रहते थे उसको हमारे यहाँ पर मठ बोला जाता है, मठ
होता है, इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार से जो सूफी संत होते थे, जहां पर वो रहते थे, बहुत सारे सूफी संत रहते थे, उसको खानका बोला जाता। क्या बोला जाता भैया मेरे? खानका। खानका में कौन रहता था? ये सूफी संत रहते थे और इनके जो शिष्य रहते थे, शिष्यों को क्या बोला गया? मैंने आपको बताया था शिष्यों के क्या, यहाँ पर मैंने आप बता दे मुरीद, नहीं मुरीद जो होता था और जो सूफी संत होते थे वह वहीं पर कहां पर रहते थे? खानका में रहते थे। गीत संगीत चलता था या पूजा पद्धति चलती थी, नियम कानून की बात यहां पर। तो ये सूफी आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं। अगला देखेगा इस्लाम, इस्लामी दुनिया में सूफी आंदोलन का विकास। भैया जो सूफी आंदोलन है कहां से स्टार्ट हुआ? क्योंकि इस्लाम का जो जन्म है, इस्लाम की जो शुरुआत है वो अरब से हुई है, ठीक है? इस्लाम की शुरुआत कहां से हुई? अरब से हुई, अरब वर्ल्ड से, ठीक है? अगर हम बात करें जो इस्लामिक विश्व में सूफी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वह भारत में, तो 13वीं शताब्दी में आरंभ होता है। इंडिया में जो सूफी आंदोलन है 13वीं शताब्दी में, इसलिए तो बोलता दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत, क्योंकि वही मुस्लिम शासक थे, उससे तो पहला कोई मुस्लिम शासक था नहीं, इसलिए कह सकते कि भारत में 13वीं शताब्दी में सूफी आंदोलन की गतिविधि शुरू होती है। पर इसकी काफी पहले, यानी इससे पहले भी सूफी आंदोलन शुरू हो चुका था। कहां पर? अरब में शुरू हो चुका था। कहां पर भाई मेरे? अरब में, ठीक है? विभिन्न क्षेत्रों में सूफी मत एक सशक्त आंदोलन के रूप में फैल चुका था। इंडिया से बाहर ना सूफी आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था, इंडिया में तो 13वीं शताब्दी में आया। 13वीं शताब्दी कब है? जब दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है? दिल्ली के सुल्तान थे, यानी यहाँ कह सकते हो यहाँ पर गुलाम वंश, या कह सकते हो खिलजी वंश चल रहा था उस समय, और उसी समय कह सकते हैं खिलजी वंश, उसी उस समय भारत में सूफी आंदोलन आता, सूफी सिलसिले। और उससे पहले पूरे वर्ल्ड में ना सूफी आंदोलन फैल चुका था। देखिएगा इस्लामिक देशों में, खासतौर से जो मुस्लिम देश है, खासतौर से जो सूफी आंदोलन की शुरुआत है पूरी दुनिया में कह सकते हैं इस्लामिक देशों में, यह 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुई। कब से हुई है? स्टार्टिंग कब है? 7वीं शताब्दी से। और सेम वही कह सकते हो जब भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन भी इंडिया में क्या 7 से 12 में है, दक्षिण भारत में स्टार्ट हो गया। तो उसी प्रकार से कह सकते हो कि इस्लामिक देशों में जो सूफी आंदोलन था वह 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच खूब फैला। कब से? 7वीं से 13वीं में पूरे इस्लाम में, यानी इस्लामिक देशों में, और इंडिया में 13वीं शताब्दी। वही तो मैंने बोला था कि सूफी जो आंदोलन था वह भारत में बहुत बाद में आया था, क्योंकि मुस्लिम यानी मुस्लिम तो थे नहीं इंडिया में। तो जब 13वीं शताब्दी में कह सकते हैं, जब 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी, खासतौर जब दिल्ली सल्तनत आती है, तब यहाँ पर कुछ सूफी संत आते हैं और सूफी आंदोलन जो होता है इंडिया में फैलता है। वही बात है, बल्कि इस्लाम जो सूफी आंदोलन की शुरुआत है वह 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में पूरी दुनिया में हो चुकी थी। अगर हम बात करें जो सूफी आंदोलन था वह 10वीं शताब्दी में एक कह सकते हैं कि बड़े आंदोलन के रूप में उभरा। खासतौर से जो सूफी संत थे, यह कुरान में देखोगे जैसे सद्गुण है, पश्चाताप है, परहेज है, संन्यास है, गरीबी है, ईश्वर पर विश्वास है आदि गुण रहस्यों की व्याख्या करते थे। ये सूफी संत करते क्या थे? अब हम बात करें तो सूफी संत भाई मेरे क्या करते थे? जो कुरान है, जो शरीयत है, उसमें जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे परहेज, संन्यास, गरीबी, ईश्वर में विश्वास, ठीक है, पश्चाताप यानी तौबा, तौबा, ठीक है, यानी इन चीजों की क्या करते थे? इनकी व्याख्या करते थे। और सूफी आंदोलन के आरंभिक दिनों के केंद्रों में मक्का, मदीना और बसारा और कूका प्रमुख थे। यानी कह सकते हैं यहाँ से सूफी आंदोलन की शुरुआत, शुरू शुरू में जो सूफी संत थे वो क्या करते थे? कुरान हो, शरीयत हो, इसकी व्याख्या करते थे, लोगों को बताते थे, मेन चीजें बताते थे, भाई आडंबर से बचो, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, या यानी कह सकते अल्लाह ने क्या कर रखा है, कुरान क्या कहता है, इन चीजों का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते थे। कहां पर करते थे? इस्लामिक देशों में खूब होता था, दसवीं सातवीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में पूरे अरब वर्ल्ड में कह सकते हुए ये सूफी आंदोलन फैला। कहां पर फैला? विदेश में, अरब देशों में फैला, ठीक है? आगे देखिएगा पूरा उस देखिएगा संगठित सूफी आंदोलन, यानी कह सकते हैं सूफी आंदोलन संगठन के रूप में, यानी सूफी आंदोलन में अलग अलग संप्रदाय कब बने? यह 10वीं से 12वीं शताब्दी में कह सकते हो कि सूफी आंदोलन में अलग अलग संप्रदाय बन गए, अलग अलग संप्रदाय। और सूफी आंदोलन जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता था, लोगों को धार्मिक जानकारियां भी देता था, इस प्रकार की चीजें कौन करता था? यह पूरा जो सूफी आंदोलन था या जो पूरा सूफी मूवमेंट है, क्या बोला हूँ, ये जो पूरा सूफी आंदोलन है या कह सकते हैं जो पूरा सूफी मोमेंट है, ये क्या करता था? एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो लोगों को क्या करता था? मदरसे व्यवस्था यानी धार्मिक शिक्षा का उच्च स्थान था, ठीक है, या इस प्रकार से। और इसमें कई सारे संप्रदाय भी आ जाएंगे, हम इसकी बात करेंगे। देखिएगा ये जो सूफी आंदोलन था इसमें 12वीं शताब्दी में कई सारे संप्रदायों का जन्म होता है, जैसे मैंने बताया ना चिश्ती संप्रदाय है, सोहरावर्दी संप्रदाय है, ठीक है, बहुत सारे संप्रदाय आ जाते हैं। और इसमें कह सकते खलीफा को लेकर के भी एक बड़ा डिबेट थी,
सूफी आंदोलनों में खलीफा, खलीफा क्या होता है, खलीफा भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, खलीफा कौन है, खलीफा की बात देखो एक चीज मैं बता दूं, इस्लाम अगर आप इस्लाम में देखोगे तो मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद मोहम्मद साहब को क्या बोला जाता, पैगंबर, पैगंबर मतलब समझते हो अल्लाह का संदेश वाहक, इसको बोला जाता पैगंबर, पैगंबर किसको बोला जाता है, ठीक है मोहम्मद साहब को, ठीक है पैगंबर इनको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कह सकते हो कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब नहीं रहे, खलीफा क्या होता, खलीफा एक कह सकते हो एक प्रकार की यह धार्मिक और राजनीतिक पोस्ट है, खलीफा क्या है एक प्रकार से कह सकते हो यह एक धार्मिक, इस्लामिक धार्मिक और एक बहुत बड़ी राजनीतिक पोस्ट होती खलीफा की। यानी पहले भाई मेरे क्या होता, पूरे देश पूरी दुनिया में मुसलमानों का बहुत शासन था, क्या था पूरी दुनिया में मुसलमानों का बहुत शासन था, उनका बहुत रुतबा था, अब तो उतना नहीं बचा है लेकिन कह सकते हो जैसे इंडिया में था और भी देशों में इस्लामिक लोगों का यानी इस्लाम का बहुत कब्जा था या बोलबाला था। तो उस समय क्या था, जो खलीफा था कह सकते हो वो इस्लामिक धर्म गुरु, पूरी दुनिया में जितना जहां इस्लाम है उसका धर्म गुरु थी, यानी जो बड़े फैसले हो गए, जो मुख्य फैसले हो गए सारा वही लेता था खलीफा, एक प्रकार से कह सकते हो कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब, ध्यान सुना खलीफा क्या है, कह सकते हो खलीफा वह होता है जो इस्लामिक धर्म गुरु होता था और एक राजनीतिक पॉलिटिकल पोस्ट थी। दूसरा क्या, जो खलीफा होता था क्या करता था, पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं हैं, पैगंबर ने खासतौर से मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो अपनी चीजें बताई हैं, उसको प्रचारित करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का कौन काम करता है, या खलीफा ही करता है। खलीफा एक प्रकार से पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु है, या जैसे हिंदू धर्म में बाबा है, पंडित है, इस प्रकार से कह सकते हो। उसी प्रकार से इस्लाम में जो खलीफा है बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट रही कुछ समय के लिए कह सकते, जो एक खलीफा होता था। तो खलीफा को लेकर के भी काफी इन सिलसिलों में होता था, खलीफा को लेकर के काफी रहा कि खलीफा अलग बात कहता था और ये सूफी आंदोलन में कुछ अलग चीजें चलती थी। खलीफा वैसे पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला हम बात करें कि भारत में सूफी मत का विकास कैसे, यानी इंडिया में जो सूफी आंदोलन था वह कैसे आया। देखिएगा, भारत आकर बसने वाले आरंभिक सूफियों में अल हुजवीर लगभग 1088 में आए थे। भारत में सबसे पहले सूफी संत कौन आया था, अल हुजवीर, अल हुजवीर कब आए थे भैया मेरे, यानी 1088 में थे, कब आए थे, अल हुजवीर आए थे 1088 में, ठीक है ये आए थे। और कहां पर आए थे, लाहौर में आए थे, लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने कफ अल महजूब नामक ग्रंथ की रचना थी, किसने की थी, अल हुजवीर जो थे 1088 में आए थे, सबसे पहला सूफी संत है जो इंडिया में आया था, ठीक है इससे पहले कोई। और इसने क्या किया था, कफ उल महजूब नामक के ग्रंथ की इसने रचना की। फारसी में रचित यह ग्रंथ सूफी मत पर लिखने वाला एक मानक दस्तावेज, यानी भारत में कह सकते सूफी आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बुक है। लेकिन भारत में सूफी संप्रदायों की स्थापना 13वीं शताब्दी में, यानी भारत में जो सूफी आंदोलन है उसकी स्थापना कह सकते हो कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई है। भारत में जो सूफी आंदोलन है वह 13वीं शताब्दी में आया है, और जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी तो उसके बाद आया था, कब आया था, वैसे भारत में कह सकते हो कि 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना लास्ट में तो हुई जाती है, यानी कह सकते 13वीं शताब्दी में सूफी आंदोलन आया था जब भारत पर दिल्ली के सुल्तानों का शासन था। सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए भारत एक अनुकूल जगह थी, क्या थे, सूफी आंदोलन का जो प्रचार होता था प्रसार होता था उसके लिए भारत क्या था, एक अनुकूल जगह थी, यानी सेफ सही था। यह सूफियों के लिए शरण स्थल बना, क्यों बना भाई, भारत में ये इस्लामिक धर्म गुरु क्यों आ रहे थे, सूफी संत क्यों आए, क्यों आ, रीजन क्या है कि भैया मेरे 13वीं शताब्दी में इस्लामिक दुनिया पर मंगोलों का एक आक्रमण खूब होता था, और मंगोल एक प्रकार से कह सकते हो कि जो इस्लामिक दुनिया है, कह सकते जो अरब वर्ल्ड है, इनके छक्के छुड़ा दिए मंगोलों में। आप सबने तैमूर लंगवंग का काफी नाम सुना होगा, जो आकर के यहाँ पर भी काफी तबाही मचाता था। यानी कह सकते हो कि मंगोलों ने एक प्रकार से कह सकते हो इस्लामिक जगत की, यानी पूरे अरब वर्ल्ड की, जिन लोगों ने कमर तोड़ के रख दी, यानी कह सकते कि मंगोल जो हैं वह अरब पर बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे। इससे क्या होता कि जो सूफी संत होते थे वो भाग भाग करके भारत में चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर भी एक मुस्लिम शासक था, तो उनको लगता था कि भारत हमारे लिए सेफ होगा, इसलिए भाग भाग करके कहाँ आते थे, इंडिया में। और इसी से क्या, भारत में सूफी आंदोलन आ गया।
वह भाग करके सीधे भारत आ गए। कौन? सूफी संत। क्यों आ गए? क्योंकि इस्लामिक दुनिया पर मंगोलों का आधिपत्य हो गया था, कब्जा कर लिया था मंगोलों ने। किसने भैया? मंगोलों ने। मंगोलों से इनसे इनके छक्के छूट गए थे। ठीक है, देखिएगा 13वीं 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में जगह जगह पर खानका क्या होती है, जो सूफी संत होती है, इनकी दरगाह बन गई, यानी कि मठ बन गए, खानका स्थापित हो गई। इन सूफियों ने भारत में इस्लामिक दुनिया के कई संप्रदाय स्थापित किए। यानी कह सकते हो कि जब सूफी संत आते तो भारत में कई सारे सूफी संप्रदाय यानी कई सिलसिले आए, अपनी संस्थाएं विकसित की, यह उनका प्रभाव जमा स्थापित हो गए। 14वीं शताब्दी में मध्य में मुल्तान से लेकर के बंगाल तक, पंजाब से लेकर के देवगिरी तक, यानी पूरे भारत में हम लोग बोले तो कह सकते हैं कि सूफी संप्रदाय, सूफी आंदोलन भारत में पूरे देश में फैला। और यह बिहार के, यह दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह पर पूरे देश में फैला। इंडिया में दिल्ली के आसपास से 2000 खानका स्थापित किए गए। नहीं कह सकते भारत में धीरे धीरे जो सूफी आंदोलन था वो फैला। मूल रूप से भारत में स्थापित सूफी मत का आधार इस्लामिक दुनिया, खास करके ईरान और मध्य एशिया में स्थापित सूफी सिद्धांत पर। नहीं, भारत में जो सूफी आंदोलन था, जो लोग आए थे, सूफी संत आए थे, जिन्होंने भारत में सूफी आंदोलन लेकर के आए थे, खास तौर से कहां से आए थे? ईरान और मध्य एशिया से। कहां से आए थे भैया? जो भारत में सूफी संत आए थे कहां से भाग करके आए थे? वो ईरान से और मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट से आए थे। ठीक है, भारत पर स्थापित होने के बाद विकास में सूफी मत कह सकते आप भारतीय तत्व अपेक्षाकृत भारतीय परिवेश में ज्यादा भूमिका थी। एक बार भारत में जड़ जमा लेने के बाद उसका अलग ढंग और विकास हुआ। नहीं कह सकते जब सूफी आंदोलन आया तो उसमें इस्लामिक ज्यादा थे, लेकिन जब भारत में सूफी आंदोलन चला उस प्रकार से उसमें भारतीय यानी इंडियन यानी भारतीय परंपराएं या भारतीय चीजें भी हमें उसमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। तो भारत में भी सूफी आंदोलन काफी रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट अगला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 5.5 क्या, भारत में सल्तनत काल के दौरान सूफी सिलसिले, यानी भारत में कौन कौन से सूफी सिलसिले थे यानी सूफी संप्रदाय थे। खास तौर से मैंने आपको बताया चिश्ती संप्रदाय को मैंने बताया ही, और मैंने बताया कि भाई अजमेर शरीफ जाओगे, दरगाह जाओगे तो वहां पर है ही उनकी, आपको दिखाई देगी प्रेजेंट। देखिए भारत में सल्तनत काल के दौरान कई सिलसिले लोकप्रिय हो, यानी भारत में जब सूफी आंदोलन आया सल्तनत काल के दौरान, दिल्ली सल्तनत के दौरान, तो कई सारे सिलसिले थे, कई सारे संप्रदाय थे। तो पहला संप्रदाय जो पढ़ने जा रहे हैं सोहरावर्दी सिलसिला। कौन सा सिलसिला है? सोहरावर्दी। देखिएगा और देखिएगा भारत में किसी भी सूफी सिलसिले की शुरुआत नहीं हुई, सारे बाहर से आए हैं। ठीक है, लेकिन उसको लेकर के भारत में कोई आया। देखिएगा सोहरावर्दी जो सिलसिला है वह सल्तनत काल के प्रधान सूफी सिलसिला था, यानी कह सकते भारत में एक इंपॉर्टेंट सिलसिला है वह सोहरावर्दी सिलसिला है। भारत में इसके संस्थापक कौन थे? शेख बहरुद्दीन जकारिया। नहीं, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला किसने शुरू किया है? इसको भैया शुरू किया था बहरुद्दीन जकारिया ने। वह एक खुरासानी थे, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य थे जिन्होंने बगदाद में इस सिलसिले की शुरुआत की थी। यानी शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य थे, ठीक है, जिन्होंने, यानी ये जो सोहरावर्दी सिलसिला है बगदाद में शुरू हुआ था और बाद में अब भारत में। अब भारत में कौन लेकर के आया? शेख बहरुद्दीन जकारिया भारत में लेकर के आए थे। कब? 1182 से लेकर के 1162 के बीच में। और सोहरावर्दी सिलसिला भारत में खूब फेमस रहा। देखिएगा शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के आदेश से शेख बहरुद्दीन जकारिया भारत आए। उन्होंने मुल्तान सिंध में उन्होंने अपनी गतिविधि केंद्र बनाया, यानी भारत में ये जो सोहरावर्दी सिलसिला है सबसे पहले कहां पर? मुल्तान में और सिंध में, यानी जो पंजाब के इलाके हैं और पाकिस्तान के इलाके हैं उस मार आए थे। अतः उन्होंने मुल्तान में जिस खानका की स्थापना की उसकी गिनती भारत में स्थापित आरंभिक खानकाओं ने, शुरुआत में कह सकते हो कि सोहरावर्दी सिलसिला आने में है इंडिया में। और इन्होंने अपनी खानका कहां पर बनाई थी? तो कहां पर भी ये खानका भी इनकी? मुल्तान में। मुल्तान कहां पर? प्रेजेंट टाइम में तो पाकिस्तान में है, उस समय तो इंडिया में था। तो ये उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था? वही मैंने, दिल्ली सल्तनत थी ना, इल्तुतमिश था, पर मुल्तान उसके प्रतिद्वंदी कुबाचा का अधिपत था। यानी कह सकते हैं भारत में जो सिलसिला था उसका नाम क्या है? सोहरावर्दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलसिला। कौन सा सिलसिला है? सोहरावर्दी है। ठीक है, अगला जो हमारा सिलसिला वो चिश्ती सिलसिला, बड़ा फेमस इंडिया में चिश्ती संप्रदाय, यस चिश्ती सिलसिला बोलते हैं। देखिएगा सल्तनत काल में चिश्ती संप्रदाय का विकास दो चरणों में हुआ है। 1365 में शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की मृत्यु के बाद प्रथम चरण समाप्त हुआ। 14वीं शताब्दी कुर्दाद में इसकी औन्नति हुई। दूसरे चरण में 15वीं से 16वीं शताब्दी में इसका, नहीं भारत में जो चिश्ती सिलसिला है वो दो टाइम में खूब फेमस रहा। दो समय में, एक एक बार आया तो फेमस रहा, खूब फैला, बीच में कम हो गया, फिर दो बार में।
प्रथम चरण देखिएगा, भारत में स्थित चिश्ती संप्रदाय जो स्थित है, सूफी संप्रदाय में चिश्ती संप्रदाय सबसे लोकप्रिय है। इंडिया में जो जितने भी सूफी संप्रदाय थे उसमें सबसे फेमस कौन है? चिश्ती संप्रदाय सबसे फेमस है। इसका आरंभ हेरात में हुआ है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो। देखिएगा, ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती, क्या नाम है? ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती ने भारत में इस संप्रदाय की स्थापना की है और इन्हीं की दरगाह भी है अजमेर शरीफ में, ठीक है। ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती, वह गौरी के आक्रमण के समय भारत है, जब भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ तभी आए थे। कौन? ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती आए थे। 1206 के अंतिम रूप में वह अजमेर जाकर के बस गए। मैंने वही बताया, अजमेर शरीफ ना, अजमेर, अजमेर में ही तो इनकी दरगाह। किसकी है भाई मेरे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इनकी दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है इंडिया में, कह सकते हो विदेश से भी लोग आते हैं, बाहर के जितने मुसलमान हैं। उन्होंने मुसलमानों और गैर मुसलमानों सभी का आदर किया। इसलिए चिश्ती संप्रदाय इंडिया में क्यों फेमस है? क्योंकि ये सभी भाई, इसमें गैर मुसलमान भी जो थे वह भी संप्रदाय में शामिल हो सकते थे, ये खासियत थी। और चिश्ती संप्रदाय ऐसा लगता है इसमें, क्योंकि भारतीयों जो भारतीय परंपरा है उसका भी बहुत ज्यादा हमें दिखाई देता था, इसलिए खूब फेमस हुआ इंडिया में। उनके कार्यकलापों का कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं भाई। ये जो ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती है, उन्होंने भारत में आकर के चिश्ती संप्रदाय के लिए क्या किया, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तो हमारे पास अवेलेबल तो है नहीं है, कह सकते हैं कोई दस्तावेज नहीं है, प्रूफ नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है। बाद में कई दंत कथा मतलब बहुत सारी कहानी वहानियां में, दादी नानी की जो कहानियां होती हैं उन कहानियों में उन्होंने इस्लाम धर्म के उत्साही प्रचारक के रूप में दर्शा गया। नहीं, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में, खास तौर से भारत में, और चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में कह सकते हो मुइनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ी भूमिका है। और उनकी जो दरगाह हमें अजमेर शरीफ में भी देखने को मिलती है, पर असलियत में यह उन्होंने धर्म परिवर्तन में कभी सक्रिय हिस्सा नहीं लिया। ये कभी नहीं था कि गैर हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, ऐसा नहीं था। उनका जो दृष्टिकोण था उदारवादी था, बड़ा ही उदारवादी ये सिलसिला है। इतना उदारवादी कोई सिलसिला नहीं है खासों से, बाकी तो सभी सिले सोहरावर्दी हो, नक्सबंदी हो, सतारिया हो, ये तो डायरेक्ट कहते थे कि हिंदुओं को मुसलमान बना दो, गैर हिंदुओं को मुसलमान बना दो। और अकबर, मैंने आपको बताया एग्जांपल देकर के बताना कि हिंदुओं पर जब जजिया हटा तो कई सारे सूफी संत जो थे उन्होंने उसकी तीखी आलोचना की, इसको तो बादशाह ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से थे। तो क्या थे जो चिश्ती संप्रदाय? बहुत ही उदारवादी था। आने वाली शताब्दियों में अजमेर स्थित उनकी मजार प्रमुख तीर्थस्थल बन गई। मैंने बोला ना, जो अजमेर में उनकी जो मजार है वो बहुत बड़ा तीर्थस्थल बनी। मैंने बताया ना, अजमेर शरीफ। और कौन है? मुइनुद्दीन चिश्ती। इनको गरीब नवाज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी शेख मुइद्दीन चिश्ती के एक दूसरे खलीफा शेख हमीदुद्दीन नागौरी की मृत्यु इतनी हुई ने राजस्थान के नागौर में अपनी गतिविधि का, नागौर में भी इन लोगों का है। और दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में क्या है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी हैं, इन्हीं इन्हीं की जब मृत्यु हुई थी, इन्हीं से जो कुतुब मीनार जो बनी है इन्हीं के रीजन से बनी है। ये सूफी संत थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में कह सकते हैं, ये जो शासक था इल्तुतमिश, उसने बनवाया था कुतुब मीनार को, ठीक है। आगे देखिएगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर में एक सिलसिले का स्थापना किया है। वह एक साधारण राजधानी किसान के तहत रहने लगे। उन्होंने शासन से जुड़े लोगों से संबंध, देखो जो चिश्ती संप्रदाय है ना वो राजाओं से संपर्क नहीं रखता था, ये बहुत फेमस है। चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे गरीबी में, या कह सकते हो कि लोगों से पैसा वैसा इकट्ठा करते थे लेकिन बांट देते थे। और दूसरा, राजाओं से कभी उन्हें, जो बादशाह होते थे खास उसे जो मुस्लिम शासक होते थे, इनसे मिलते नहीं थे। सूफी जो संत है, खास तौर से चिश्ती संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय रहा, इसके बारे में बताया जाता था, ये कभी बादशाहों से मिलते नहीं थे, वास्ता नहीं रखते थे, बल्कि और जो संप्रदाय है वो तो दरबारों में जाते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात प्राप्त करते थे, खास तौर से नक्शबंदी ऐसे ही थे, सतारिया भी ऐसे ही थे। लेकिन चिश्ती संप्रदाय ही ऐसा संप्रदाय था, इसके जो धर्म गुरु होते खास होते, इनके जो संत होते थे, वो कभी भी राजाओं से बादशाहों से मान सम्मान नहीं लेते थे, कभी उनसे मिलते नहीं थे, तो बहुत ही दूर की बात है उनसे कुछ लेना, वही चीज इसलिए बहुत इनको अलग बनाती है, ठीक है। आगे देखिएगा,
इन्होंने जो कह सकते हैं प्रवचन दिए, जो ज्ञान दिए, उनको किसमें लिखा गया है, उसको मलफूजात में लिखा गया। मलफूजात क्या था? मलफूजात होता है कि जो सूफी संत होते थे, जो अपने प्रवचन देते थे, जो लोगों को बताते और समझाते थे, उसको एक प्रकार से दस्तावेज है, उसको मलफूजात में लिखा जाता था। यानी जो सूफी संत होते थे, जैसे प्रवचन देते थे, कोई बात बताते थे, उनको मलफूजात में संकलित कर लिया जाता, एक प्रकार से बुक बन जाती थी, समावेश कर लिया जाता था। ठीक है, दूसरा जो चरण है कह सकते हैं कि भारत में जो सूफी संतों का रहा, वो नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद चिश्ती सिलसिले का पतन हुआ और दिल्ली से बिखर कर यह विभिन्न राज्यों में फैला। यहाँ से चिश्ती सिलसिले के इतिहास का दूसरा दौर होता है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह दक्कन की ओर जाने लगा। नहीं, पूरे भारत में अगर आप देखोगे चिश्ती संप्रदाय जो था खूब फेमस रहा। और कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया, चिश्ती संप्रदाय की तीन शाखाएं उभर के सामने हैं। जैसे नागौरी, जो मैंने बताया था ना, जो नागौर में चले गए थे शेख हिमादु हिमादुद्दीन नागौरी जो थे, ठीक है, साबरी है, साबरी जो शेख अलाउद्दीन, ठीक है, थे, और निजामी है जो शेख निजामुद्दीन औलिया के थे, निजामुद्दीन औलिया, इनका भी नाम सुनोगे ना, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका भी नाम खूब सुनोगा, ये भी सूफी संत थे। ठीक है, इन लोगों का काफी अगर आपने सुना होगा तो, वही मैं बता रहा हूँ, चिश्ती संप्रदाय जो था वो खूब फेमस रहा। अन्य कुछ जो संप्रदाय है देखेगा, अन्य कौन कौन से, जैसे चिश्ती संप्रदाय और सोहरावर्दी सिलसिले के अलावा भारत में और भी बहुत सारे जो चिश्ती संप्रदाय थे वो फेमस थे, जैसे फिरदौसी, कदारिया, सतारी, ठीक है, कलांद्री सिलसिले खूब स्थापित। फिरदौसी सिलसिले सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है। जो फिरदौसी है वह सोहरावर्दी की एक शाखा है, एक पार्ट है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुई थी। भारत में इस सिलसिले के सर्वप्रथम शेख सरफुद्दीन मुनवरी ने की थी और उनकी मृत्यु जो 1930 में हुई थी। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो कादरी सिलसिला है, ये भी सूफी सिलसिला था, इसकी स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, ठीक है, यह बगदाद में हुए थे। देखो जो भी सूफी सिलसिले हैं सारे विदेशों में हुए थे, सूरत पूरी बाहर हुए थे, बाद में इंडिया में थे। 14वीं शताब्दी में यह संप्रदाय भारत और पंजाब में, सिंध और दक्कन में का केंद्र स्थल बना। कादरिया का दृष्टिकोण कट्टरपंथी था, वही बताया, कट्टरपंथी थे, क्या थे, कट्टरपंथी थे, इस्लामिक नियम कानूनों को फॉलो करने की बहुत बात कर, क्या थे, कादरिया जो संप्रदाय बहुत कट्टरपंथी है, इनका सिद्धांत कट्टरपंथी उलेमा से मेल खाता है। कादरी सूफियों के कई प्रांतीय राज्यों के शासक वर्ग से संबंध थे, उन्होंने राजाओं से सहायता स्वीकार की। वही नहीं बता ना कि जो चिश्ती संप्रदाय था ना, ये हेल्प नहीं लेता था राजाओं की, बादशाहों की और सुल्तानों की, लेकिन जो कादरिया थे, जो चिश्ती थे, कादरिया तो क्या मदद भी लेते थे। और एक कट्टरपंथी संप्रदाय है, यानी इस्लामिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने की बात करता है, तो जो गैर हिंदू गैर मुसलमान है उनको भी मुसलमान बनाओ, ऐसी बात करता था। यह संप्रदाय शहर में केंद्रित था और इसका उद्देश्य गैर इस्लामिक प्रभावों से ग्रस्त भारतीय मुसलमानों की धार्मिक जिंदगी में सुधार करना था। क्या था? गैर इस्लामिक प्रभावों से जो ग्रस्त हैं, यानी ऐसा मुसलमान जो एक प्रकार से हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट है, उसको भी एक प्रकार से क्या बना, उसकी जिंदगी में सुधार, यानी मुसलमानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए कह सकते हो जो कादरिया सूफी संप्रदाय था ये बहुत मदद एक करता था। आगे का 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में सूफी मत का ऋषि संप्रदाय स्थापित हुआ। इस संप्रदाय का उदय पूर्व धर्म प्रचारक मीर सैयद ने किया। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हमदान से अपने शिष्यों के साथ कश्मीर आए। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर आप देखोगे तो जैसे दूसरी तरफ देखोगे शेख नसीरुद्दीन वाली हैं, ठीक है, द्वारा स्थापित ऋषि संप्रदाय स्वदेशा मूलता स्वदेशी था। यह कश्मीर के ग्रामीण परिवेश में फला फूला और इसने 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान लोगों के धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। तो यही अगर आप देखोगे तो भारत में कई सारे सूफी संप्रदाय थे, कई कई प्रकार के सूफी सिलसिले थे जो बहुत फेमस रहे। और एक प्रकार से कह सकते हो कि ज्यादातर, मैं अगर एग्जाम्पल बता दूं, बहुत सारे जो थे राजाओं से संपर्क नहीं रखते थे। जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया, सिर्फ चिश्ती ही है बस का, बाकी तो सब रखते थे, ठीक है। और बाकी जो चिश्ती सूफी संप्रदाय में जो सिलसिले हैं, ये शरीयत की बड़ी बात करते हैं। कुछ कोई कहता शरीयत में चेंज हो, कोई कहता शरीयत में बदलाव नहीं चाहिए, कोई कहता है कि इस्लामिक जो नियम कानून उसको कड़ाई से पालन करो, कोई कहता है कि भाई इस्लामिक में थोड़ा उदारवादी आपको चिश्ती दिखते हैं, बाकी तो कोई उदारवादी आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत में देखोगे तो जो चिश्ती संप्रदाय खूब फेमस रहा, क्यों रहा, क्योंकि उदारवादी थे, इनके जो मत थे, जो विचार थे, वो भारतीय थे, इंडियन थोड़ा मैच करते थे, इसलिए खूब फेमस रहा। कौन? चिश्ती संप्रदाय, तभी तो खूब फेमस रहा।
और मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल देकर के बताया कि भाई अकबर ने जब जजिया हटाया, जो हिंदुओं पर लगता था, गैर हिंदुओं पर एक टैक्स लगता था जिसको हम लोग जजिया बोलते हैं, जब जजिया हटा तो कई सारे सूफी संप्रदाय जो थे उसने उसकी काफी आलोचना की, ये गलत कर रहा अकबर, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ये तो इस्लाम का एक प्रकार से कलंक है, इस प्रकार की कई सारे सूफी संप्रदाय बुकों में ऐसा बताया गया कि मैं आपको साइंटिफिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज अगर आप देखोगे तो कई सारे, मैंने आपको बताया ना, कई सारे कट्टरपंथी थे, यानी जो सूफी संत कई सारे संप्रदाय थे जो इस्लामिक नियम कानूनों को बड़ी कड़ाई से पालन करने की बात करते थे। ऐसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया औरंगजेब का, औरंगजेब जो था वह कादरी संप्रदाय का ही फॉलोअर था, यानी इसको मानता था। भाई आप मानिए जो अकबर है, सॉरी अकबर की बात कर रहा हूँ, औरंगजेब की बात नहीं, जो औरंगजेब था वह कादरी संप्रदाय को मानता था, और कादरी जो संप्रदाय था, ये कादरी जो सतारिया, इन दोनों में से एक को, दोनों को मानता था, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे उसको फॉलो करता था, तो कहता था कि एक प्रकार से इस्लामिक नियम कानूनों को मानो। इसलिए तो देखोगे, अगर आप देखोगे तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो खास होते फुल इस्लामिक नियम कानून चलते थे, बहुत कड़ाई से कह सकते इस्लाम का पालन किया जाता है, इस्लामिक नियम कानून का। तो वही मैं चीजें बता रहा हूँ कि जो सूफी संप्रदाय था, सूफी जो पूरा मूवमेंट था, जो सूफी आंदोलन था, इसमें कई सारे उदारवादी थे, कुछ उदारवादी नहीं थे। कोई कहता था शरीयत में बदलाव करो, कोई कहता था मत करो, कोई कहता था इस्लाम में जो कट्टरता इसको दूर करो, यानी या मुसलमानों की जिंदगी में सुधार करो। तो अलग अलग जो संप्रदाय थे वो अलग अलग प्रकार की क्या करते थे, बातें करते थे, अलग अलग चीजें आती थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता के कारण क्या है। भाई भारत में जो चिश्ती सिलसिला है, जो चिश्ती संप्रदाय है, वह इतना लोकप्रिय क्यों रहा, क्यों फेमस हुआ। ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती की बात करें या ख्वाजा गरीब नवाज की बात करें, उनकी जो दरगाह बनी क्यों लोकप्रिय रहा, इसका रीजन यही है क्योंकि यह बहुत उदारवादी था। इसमें गैर मुसलमान व्यक्ति भी जाकर के इस संप्रदाय में शामिल हो सकता था, और इसमें अगर इस संप्रदाय इस सिलसिले में देखोगे जिसमें कई सारे इंडियन विचार यानी भारतीय जो परंपरा के मूल्य हैं वह भी हमें दिखाई देते हैं। यह दो तीन बड़ा कारण था जिससे कह सकते कि जो चिश्ती सिलसिला था वह खूब लोकप्रिय रहा, ठीक। देखिएगा, चिश्ती संप्रदाय की कई प्रथाएं भारत में स्थापित योगियों गैर परंपरावादियों संप्रदायों से काफी मिलती जुलती थी, जैसे ब्रह्मचारी संन्यासियों का जीवन व्यक्त करना, गुरु के समक्ष दंडवत करना, सिलसिले में शामिल होने के लिए नए शिष्यों का मुंडन कराना, भक्ति संगीत का आयोजन कराना। भारत में चिश्ती सिलसिला क्यों फेमस रहा, क्योंकि गीत संगीत को मानते थे। अगर आप देखोगे तो इसमें जो संत होते थे सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे, गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, लोगों की बहुत मदद करते थे, और इसमें जब कोई नया शिष्य था तो उसका मुंडन कराया जाता था। ये सारी बातें किसमें दिखाई देती है, ये तो हमें सारी बातें हिंदू हिंदू धर्मों में दिखाई देती हैं, हिंदू संतों में दिखाई देती हैं। तो कह सकते हो कि इनके संतों का जो आचरण था, जो व्यवहार था, वह हिंदू संतों की तरह था। इसलिए भी कह सकते जो चिश्ती सिलसिला था, जो चिश्ती संप्रदाय था, वह भारत में उसके फेमस होने की, कह सकते पॉपुलर होने की संभावना इसलिए भी ज्यादा बनी। अगला देखिएगा, चिश्तियों ने भारत में गैर मुसलमान जनसंख्या के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया और अपने आप को भारतीय परिवेश में ढाल लिया। चिश्ती संप्रदाय जो था एक प्रकार से क्या था, उदारवादी था। वह जो गैर मुसलमान थे या हिंदू थे उनके प्रति क्या सहिष्णु विचार थे, उनका उनको उनके प्रति भी अच्छा सोचता था, और चिश्ती संप्रदाय ने अपने आप को भारतीय परिवेश में, भारतीय परंपराओं में ढाल लिया, वह ऐसा बना लिया। इसलिए भी कह सकते हो कि चिश्ती संप्रदाय भारत में इसलिए इतना ज्यादा फेमस रहा है क्योंकि इसने कई सारे भारतीय रीति रिवाज पद्धतियों को अपना लिया, इससे इसका फेमस होने का। और जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे ये अपने मत का, अपने विचारों का जब प्रचार प्रसार है वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, यानी भारत में जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं उनका प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं था ये उर्दू या फारसी में बातें करते थे, यानी आम भाषा में, लोकल भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते थे। इसलिए भी कारण था कि जो चिश्ती संप्रदाय था वह भारत में खूब लोकप्रिय रहा। अगला देखिएगा, चिश्ती खानकाहों में समतावादी परिवेश ने भारतीय समाज के निचले वर्ग के सदस्यों को काफी संख्या में आकर्षित किया। यानी चिश्ती संप्रदाय में ना कोई व्यक्ति भी जाकर के चिश्ती संप्रदाय में शामिल हो सकता था, मुहसिद से बन सकता था, उनके खानकाह में जाकर के रह सकता था। इससे क्या रहा कि लोग इससे बहुत जुड़े। भारत का जो निचला तबका था, जो गरीब लोग थे, वह चिश्ती संप्रदाय की ओर काफी मुड़े। क्यों मुड़े? क्योंकि उनको लगता था वहां बराबरी की बात होती, वहां गीत संगीत था या मदद करने की बात होती थी, और गैर मुसलमान जो थे उनके प्रति भी एक प्रकार सा, एक देखोगे तो उदारवादी रवैया था। इसलिए भी कह सकते हो कि जो चिश्ती संप्रदाय था वह भारत में एक प्रकार से काफी लोगों में फेमस रहा। चिश्ती गुरुओं ने उच्च भावना से युक्त प्रेरणादायक नेतृत्व किया, दरबार से वह दूर रहे
राज संरक्षण का उन्होंने अस्वीकार किया। ही तो मैं आपको बता रहा, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने कभी दरबार में नहीं गए, राजाओं से कभी पैसे नहीं लिए, मान सम्मान नहीं लिया, हमेशा राजाओं से बादशाहों से दूरी बनाए रखी। और चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वह कर्मकांड की आलोचना करते थे, कर्मकांडों को नहीं मानते थे, पाखंड को नहीं मानते थे। यह भी एक बड़ा कारण था कि भारत में जो सूफी संत थे, खास तौर से जो चिश्ती संप्रदाय है, उसका लोकप्रियता होने का यह भी एक बड़ा कारण है कि वह एक प्रकार से क्या रहे, दरबारों से दूर रहे, राजाओं से दूर रहे, यानी क्या आम लोगों में, आम जनता में, गरीबों में उनका एक प्रकार से बहुत रहा। दूसरा, कर्म कांडों का विरोध करते थे, इस्लाम में जो पाखंड है या जो कट्टरता है इन चीजों को नहीं मानते थे, बाहरी पाखंड को, कर्म कांड कांडी नहीं थे वह, इस्लाम की, इस्लाम को बिल्कुल सामान्य और सिंपल भाषाओं में इसकी व्याख्या करते थे चिश्ती संप्रदाय के संत। इसलिए कह सकते हैं जो चिश्ती संप्रदाय था वह खूब फेमस रहा, या उसके फेमस होने की जो संभावना रही वह भारत में बहुत ज्यादा रही। तो ये आपका जो चैप्टर है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ज्यादातर तो यही रहती है कि सूफी मत का समकालीन भारतीय इस्लामिक के सूफियों पर विचार क्या है, या कह सकते हो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में क्या समन्वय है। बहुत सारा समन्वय है, इस्लाम धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चला, और हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, बुराइयों को दूर करने के लिए वहां पर भक्ति आंदोलन चला। अगर आप देखो भक्ति आंदोलन में एकेश्वरवाद के गुण आपको दिखाई देते ना, भाई भक्ति आंदोलन के जो संत है एकेश्वरवाद की बात करते हैं, क्योंकि सूफी आंदोलन के जो संत है इस्लाम में एकेश्वरवाद की बात की गई, तो भक्ति आंदोलन के संतों को लगता था कि हमें भी एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर की पूजा करो, क्योंकि हिंदुओं में तो अलग अलग भगवान की पूजा होती है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, इसलिए एकेश्वरवाद पर बहुत ज्यादा। अगर आप देखो भक्ति आंदोलन देखोगे ना, तो दोनों संतों में काफी सिमिलरिटी है, और कई बार तो हमें ऐसा भी मिलता है कि जो भक्ति आंदोलन के संत हैं, जो सूफी आंदोलन के संत हैं, ये आपस में बैठ करके बातचीत भी करते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो इससे कहा कि एक प्रकार से जो सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन में हमें इसमें काफी समन्वय, खास तौर से मैंने चिश्ती के संप्रदाय की बात की, मैंने बताया ना कि किस प्रकार से एक प्रकार से उदारवादी थे, तो एक प्रकार से यही कारण था कि भारत में सूफी आंदोलन हो भक्ति आंदोलन दोनों में हमें बहुत ज्यादा समन्वय दिखाई देता, समन्वय मीन्स एक जैसे रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 15वां था सूफी आंदोलन को लेकर के लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। आगे भी लगातार ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी, तो आपका जो हिस्ट्री ऑनर्स है सेकेंड ईयर का, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास भी मैं आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है।